हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग आज उपस्थित हैं साइंस कक्षा 10 पढ़ेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ये अध्याय जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, जिसमें हम लोग इसके पहले इस चैप्टर से 2 वीडियो कर चुके हैं और अभी फ्रेंड्स हम लोग इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रियाकलाप 4.2 से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रियाकलाप जो है 4.2 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए और ए दिया हुआ है यहाँ पे CH3OH तथा C2H5OH, बी दिया हुआ है C2H5OH तथा C3H7OH एवं सी दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ C3H7OH तथा C4H9OH। यहाँ पे अनुसूत्र दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या इन तीनों में कोई समानता है। फिर पूछ रहा है फ्रेंड्स, एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या इनको एक समजातीय श्रेणी परिवार कहा जा सकता है। फिर है फ्रेंड्स, सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूहों के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिक वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला है, इन सब का हम लोग को सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हो जाएगा यहाँ प्रश्न में दिए हुए सूत्रों की गणना निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों अनुसूत्र है जिसका अनुभार दिया हुआ है और अनुभार में अंतर यहाँ 14U है, 14U है और अनुसूत्र में अंतर CH2 है, CH2 और CH2 का अंतर है। अब फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन था, क्या इन तीनों में कोई समानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इन तीनों में समानता यह है कि ये सभी क्रियाशील मूलक एल्कोहल यानी कि OH हैं। आगे था फ्रेंड्स, एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या इनको समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में देखिए इस तरह से कर देना है और हाँ ये एल्केन एल्कोहल के समजातीय श्रेणी है। फिर उसके बाद था सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूहों के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिक वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो समजातीय श्रेणी है वो यहाँ पे हो जाएगा क्रियाशीलक है, यहाँ पे देखिए OH एल्डिहाइड, CO कीटोन और C OH कार्बोक्सिलिक है। समजातीय श्रेणी फ्रेंड्स इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 4.2 करने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। यहाँ पे दिया हुआ है किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न या उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा अनुशोधित किया गया हो, जैसे क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए एल्कोहलों के नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। निम्न विधि द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है, जिसमें पहला दिया हुआ है यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। दूसरा है
प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है, जो सारणी 4.4 के अनुसार। तीसरा है, यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न के आधार पर दिया जाना हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई हटाकर उसे समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं, जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन, यहाँ पे ई है बराबर प्रोपेन प्लस 1 प्रोप ऑन प्रोपोन, इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम दिए गए अंतिम एन को सारणी, यहाँ देखिए एन ई है, को सारणी 4.4 के अनुसार ई एन ई या बाई एन ई से प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे दूरी आबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रि आबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। यहाँ सारणी 4.4 प्रक्रियात्मक समूह की नाम पद्धति। प्रक्रियात्मक समूह है, पूर्व लग्न अनुलग्न और ये उदाहरण है। यहाँ दिया हुआ है हैलोजन, इसमें है पूर्व लग्न क्लोरो ब्लोमो आदि, तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे क्लोरो का दिया हुआ प्रक्रियात्मक समूह समूह जो है क्लोरो प्रोपेन है, और यहाँ पे BR है तो ये ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये OH है तो प्रोपेनॉल है, और उसी तरह से प्रोपेनॉल प्रोपेनोन प्रोपेनाइन अम्ल प्रोपीन और प्रेपाइन, यहाँ पे त्रि आबंध एल्काइन है, अनुलग्न यहाँ बाई एन ई आ जाएगा, एल्कीन में 2 आबंध होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अनुलग्न है ओ आई सी एसिड है, यहाँ पे अम्ल है। आगे दिया हुआ है प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? कार्बन के 2 गुणधर्म कौन हैं जिनके कारण हम चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए, जिसमें एथेनोइक अम्ल ब्रोमोपेंटेन ब्यूटोनोन और है हेक्सेनॉल। क्या ब्रोमोपेंटेन की संरचना समावयव है? इसका भी उत्तर देना है। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 यौगिक दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स अभी इसका हम लोग उत्तर जानेंगे। और जो ये 2 जो क्वेश्चन रह गए थे उसका भी हम लोग उत्तर जानेंगे। CO2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? और सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इसका संकेत दिया हुआ है, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग जो पेज 68 में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, CO2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, CO2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्नलिखित है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सी है 1 और ओ 2 है, तो इसके जो परमाणु है देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु साझेदारी करके अपना संरचना बनाएंगे। देखिए इस तरह से आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी?
इसमें संकेत दिया था सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठे के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका संरचना बताया गया है। एस 8 होता है, सल्फर के पास 8 परमाणु होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सल्फर है 2 2 2 6, तो 2 2 परमाणु का यहाँ साझेदारी हुआ है। इस तरह से बलायाकार रूप में एक अंगूठे के जैसा 8 सल्फर परमाणु जुड़े हुए हैं। इस तरह से संरचना बना हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो पेज 76 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं। इसमें पहला है नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन है यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन 5 लिया गया है और चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आइसो पेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से भी एक शुरू में 4 कार्बन दिया गया और एक ब्रांच देके यहाँ पे कार्बन दे दिया गया है और फिर चारों तरफ हाइड्रोजन बाउंड से इसको घेर दिया गया है। उसी तरह से फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे नियो पेंटेन या 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे करके भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से देखिए ऊपर और एक नीचे शाखा के द्वारा इसको कवर किया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन यौगिक की विशाल संख्या के 2 कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है कार्बन परमाणु श्रृंखला तथा कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता, और दूसरा है इस गुणधर्म के कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित तथा चक्रीय श्रृंखला बनाता है। 4 संयोजकता के कारण कार्बन अपने परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्विबंध तथा त्रिअबंध बनाते हैं। इन्हीं 2 कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। इस तरह से हम लोग को जो है कार्बन जो है परमाणु तथा जो है कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होता है। आगे दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10 होता है और बिंदु संरचना देखिए फ्रेंड्स नीचे है। इस तरह से साइक्लोपेंटेन का जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगा। देखिए यहाँ पे C5 है और H10 है, देखिए C5 और चारों तरफ हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, जिसमें पहला दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल। तो इसका संरचना इस तरह से हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन बाउंड चारों तरफ और यहाँ पे डबल बाउंड ओ। फिर है ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन और यहाँ पे क्रियाशील समूह Br आ जाएगा, चारों तरफ हाइड्रोजन बाउंड। आगे दिया हुआ है ब्यूटोनॉल, तो इसमें क्रियाशील समूह O आ जाएगा और चारों तरफ हाइड्रोजन बाउंड है। हेक्सेनल, इसका इस तरह से संरचना बन जाएगा, क्रियाशील समूह O आ जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक समावयव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नामकरण करना है
इसमें पहला दिया हुआ है CH3CH2 बॉन्ड BR, तो इसका। और ये क्वेश्चन दो है, क्वेश्चन थ्री है, इसमें हम लोग पहला का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला का हो जाएगा CH3CH2Br ब्रोमो एथेन नाम हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा मेथेनॉल CHCOH। तीसरा हो जाएगा हेक्सा 1-ion और CH3CH2CH2CH2CH2 और CH। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दहन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।